This is Ankit and sponsored by Sanjay Fitness. Welcome back to my channel again. Welcome to our Sanjay Bhaiya here. Hello. हमारे सफर के साथ ही संजय भैया द बिगी. सो हियर हम पहुंच चुके हैं अपना 12 वीक वर्किंग चैनल के सेकंड वीक पे. फर्स्ट वीक जो वर्कआउट डाला था आपका स्ट्रेंथ वाइज, होप यू गाइस आप अच्छे से फॉलो किए हो. तो आज हम अपना वीक वाइज एंड डे वाइज वर्कआउट ऐड करने वाले कंप्लीटली. मंडे से सैटरडे तक वर्कआउट रहेगा. सो अच्छे से डाइट फॉलो किए हो, अच्छे से डाइट समझ पाए हो. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वीक वाइज और डे वाइज वर्कआउट रहेगा. कंप्लीट डे बाय डे वर्कआउट ऐड करूंगा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. सो लेट्स स्टार्ट. ज्यादा बात नहीं करते, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. तो मंडे को हम चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं. आज फर्स्ट डे है मंडे को, तो चेस्ट का वर्कआउट रहेगा. वेरियंस जो आपको बता रखा हूँ 5x5 रहेगा, 5 कुछ समथिंग वर्कआउट, 5 से 6 वर्कआउट रहेगा. और प्लीज डाइट को फॉलो करो. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस मंडे का फर्स्ट वर्कआउट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चेस्ट है. चेस्ट का फर्स्ट वर्कआउट जो है फ्लैट बारबेल प्रेस जो रहेगा 5x5 सेट का रहेगा. तो मेक श्योर गाइस इंडिपेंडेंटली आप वेट चूज करोगे, ना हैवी जाओगे ना कुछ स्लो करोगे. गेनिंग पीरियड है थोड़ा सा हैवी रखोगे. कंप्लीट आपको कॉन्ट्रैक्ट जितना अच्छे से करना है. तो शुरू करें पुनः भैया. कम ऑन. ओके मेक श्योर आपका एंगल ठीक रहना चाहिए, पोस्चर ठीक रहना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड आप ये को थोड़ा सा लोअर बैक को गैप रखना है. स्टार्ट करते हैं 5 reps. गुड. Look at the posture first. Look at the posture with breathing. Good. सही जगह में आ रहा है. आपको posture ठीक रखना है. 5 repetitions, 5 sets का आपको रखना है. Completely. Good. मजे में है. जाएगा, 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 जाएगा. Good. तो ये हो गया आपका first workout. और हमारा जो next workout रखेंगे हम उसके साथ flat dumbbell fly. तो हमारे बिगी के हिसाब से वो स्टार्ट कर रहे हैं 25-25 किलो का dumbbell fly. That means awesome. लेकिन आप ये गलती नहीं करना. आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जो वेट में आप 5 repetition अच्छे से कर पाओगे, आप उसी में स्टार्ट करना. तो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में डंबल फ्लाई कैसे किया जाता है. सो ओ माय गॉड लुक एट दिस. सो नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो, नाइस एंड स्लो, कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रीदिंग. दैट्स गुड. दैट वन, एक्सलेंट, एक्सलेंट स्ट्रेंथ. टू, गुड. थ्री, चेस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है. फोर, दैट्स गुड. One more, then 5. Good, relax. ये हो गया आपका 5 repetition of dumbbell fly. इसको 5 set आपको train करना है. Third workout जो है आपका incline barbell press रहेगा. Same 5 repetition के 5 set लगाओगे और आपका weight आपके हिसाब से choose करोगे. धीरे-धीरे weight बढ़ाओगे. अगर support लग रहा है तो support लोगे, लेकिन आपका ये make sure करना है कि जो weight आप carry किए हो वो आप उससे अच्छा 5 repetition निकाल पाओगे. Reps निकालने के बाद ही आप gain कर सकते हो. Let's start. Good. शुरू करते हैं इक्वलिटी फर्स्ट और मेक श्योर नेक की 2 से 3 इंच के नीचे आपका बारबेल डाउन होगा. पूरा कंप्लीट स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का सा एज रहेगा और ब्रीदिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा. पोस्चर को आप बहुत अच्छे से अगर ट्रेन करोगे तो आपका मसल काम करेगा. सेम सेम आपको ब्रीदिंग के साथ 5 repetition निकालना है. नाइस एंड स्लो. कम ऑन बेगे. गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. बॉडी जाएगा बट अप्रिशिएट कि इनका वेट सिलेक्शन जो रहता है बहुत ही अच्छा रहता है. तो ये हो गया आपका इनक्लाइन बारबेल प्रेस. और फोर्थ वर्कआउट इज दैट फ्लैट डंबल प्रेस. तो आज मैं संजय भैया को ऑप्शन देना चाहूंगा 39, 38 और 40. कौन सा आप उठाना चाहोगे? 40. आर यू श्योर? ओ माय गॉड लुक एट द स्ट्रेंथ एंड पावर. सो ये 40 किलो में, दैट मींस 180 किलो में डंबल प्रेस फ्लैट में दिखाएंगे. बट वो इनका वेट है तो आप अपना वेट चूज कर पाना जो 5 repetition अच्छे से लगा पाओगे. तो लेट्स सी हाउ. तो ये हो गया आपका फ्लैट dumbbell press. Nice and slow, nice and slow. Contract with retract with breathing process. आपका process और posture बहुत important है guys. तो please 5 repetition लगाना है. Nice and slow और बहुत अच्छे से. Look at the strength of biggie. तो ये हो गया आपका flat dumbbell press. ये भी आपको 5 set लगाना है 5 repetition का. So guys our last workout that's back deck butterfly जो है आपका ये रहेगा. और तो ये workout को आप same 5 repetition 5 set का आपके comfortable wise आप weight create करोगे. तो start करते हैं. तो ये हो गया आपका बटरफ्लाई. सो नाइस एंड स्लो, पोस्चर को ठीक रखना है, चेस्ट कंट्रोल रखना है. नाइस एंड स्लो स्टार्ट करेंगे एंड दैट वन, दैट्स गुड. नाइस एंड स्लो ब्रीदिंग भी ठीक रखना है. ये हो गया टू, गुड. थ्री, अब लगे रहो. सो गाइस ये कंप्लीट हो गया आपका चेस्ट वर्कआउट मंडे का. तो इसको आपको पूरा अच्छे से फॉलो करना है पूरा 1 week तक एंड डे बाय डे आपको वर्कआउट अपडेट होते रहेगा. तो ये
पोस्चर को ठीक करो, डाइट को ठीक करो, तो यही होता है आपका मंडे का वर्कआउट। तो वेट आपके हिसाब से सिलेक्शन करना, आगे बढ़ाना। तो बने रहेंगे आपके साथ विद बिगी के साथ, लेट्स सी विद आवर नेक्स्ट डे, दैट मींस बैक वर्कआउट के साथ। सी यू सून। अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो, अपडेट आपको मिलते रहेगा।